जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द फैमिली रेसिपी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है कोकोनट लड्डू। और इसे हम बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से इसे हम बनाएंगे और ये कोकोनट लड्डू खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये कोकोनट लड्डू बनाना। तो ये कोकोनट लड्डू बनाने के लिए हमें लगेगा एक फ्रेश कोकोनट, जिसका हमें जो ब्राउन पार्ट रहता है उसे निकाल देना है। उसके बाद इसे बहुत ही छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। हम फ्रेश कोकोनट बर्फी बना रहे हैं, इसके लिए हमने फ्रेश कोकोनट लिया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। अब हम ये कोकोनट को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से इसका फाइन मिक्सचर बनाना है। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, उसमें हमने जो ये कोकोनट क्रश कर लिया था वो डाल देंगे। ये करीबन 2 कप होगा। आप अगर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा डालते हैं तो आपको 2 कप नारियल का बुरादा डालना है। अब हम इसे सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। दोस्तों, इससे ज़्यादा आप इसे सौते ना करें। इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम में सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। आप यहाँ दूध की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों 1/2 कप दूध डालना कंपलसरी है। और फिर इसके साथ हम डालेंगे 1/3 कप शुगर यानी कि चीनी डालेंगे हम इसमें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, हमें इसे लो मीडियम फ्लेम में सौते करना है और हमें इसे सौते तब तक करना है जब तक ये दूध कोकोनट में एब्जॉर्ब ना हो जाए। और दोस्तों, मैंने यहाँ आपको बोला कि आप दूध की क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं, इससे क्या होगा जो कोकोनट का फ्लेवर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर थोड़ा कम चाहिए तो आप यहाँ पर 2 या 3 कप डाल सकते हैं दूध। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। यहाँ मैंने फ्रेश इलायची को कूट के डाली है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कोकोनट लड्डू में। बाय द वे गाइस, अगर आपको कुकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ परचेस करनी हो, जो कि मैं हर एक वीडियो में यूज़ करती हूँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है। आप वो लिंक में क्लिक करके कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूध अभी भी है, तो हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे और पकाना है जब तक ये दूध कोकोनट में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दूध अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है कोकोनट में। तो आपको ये स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरीके से ठंडा होने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और कुछ इस तरीके से इसका एक लड्डू बना देंगे। लड्डू बनाने के बाद हम इसके ऊपर जो डेसिकेटेड कोकोनट है उसकी कोटिंग दे देंगे, यानी कि जो नारियल का बुरादा है उसके ऊपर लगा देंगे और इसे अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट कोकोनट लड्डू बनकर रेडी है। मैं आपको एक और लड्डू बना के बताती हूँ। इसके लिए आपको हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और उसका एक अच्छा सा गोल लड्डू बना लेना है। लड्डू बनाने के बाद हम इसे नारियल के बुरादे में कोट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम आसान और इजी तरीके से फ्रेश कोकोनट लड्डू बनकर रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोकोनट लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो इसे बहुत सारा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय श्री कृष्णा।